ओम शांति। मुरली का तारीख है 30/9/2019। मीठे बच्चे, सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। प्रश्न, पूरा पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? ऊंच पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक में है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। और एक प्रश्न, सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं? उत्तर, बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो। जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे। अर्थात सच्ची सच्ची दीपावली व कारोनेशन डे मना सकेंगे। ओम शांति। बच्चे अभी यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? चलते फिरते अथवा यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर है, उन पापों का याद की यात्रा से विनाश करते हैं। या तो आत्मा जानती है, हम जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। बाप ने तो अच्छी रीति समझाया है, बल यहाँ बैठे हो तो भी जो श्रीमत पर चलने वाले हैं उनको तो बाप की राय अच्छी ही लगेगी। बेहद बाप की राय मिलती है, बेहद पवित्र बनना है। तुम यहाँ आए हो बेहद पवित्र बनने के लिए, सो बनेंगे ही याद की यात्रा से। कोई तो बिल्कुल याद कर नहीं सकते, कोई समझते हैं हम याद की यात्रा से अपने पाप काट रहे हैं, गोया अपना कल्याण कर रहे हैं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते नहीं, तुमको ही बाप मिला है। तुम रहते ही हो बाप के पास, जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान बने हैं, आगे असुरी संतान थे। अब हमारा संग ईश्वरीय संतानों से है। गायन भी है ना, संग तारे कुसंग डुबोए। बच्चों को गड़ी गड़ी या भूल जाता है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, तो हमको ईश्वरीय मत पर ही चलना चाहिए, ना कि अपनी मनमत पर। मनमत मनुष्य मत को कहा जाता है। मनुष्य मत असुरी ही होती है। जो बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं वहां बाप को अच्छी रीति याद करते रहते हैं सतो प्रदान बनने के लिए। सतो प्रदान की महिमा भी होती है। बरोबर जानते हैं हम सुखदाम के मालिक बनते हैं। नंबर वार जितना जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। जितना अपनी मत पर चलते तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अपना कल्याण करने के लिए बाप के डायरेक्शन तो मिलते ही रहते हैं। बाप ने समझाया है या भी पुरुषार्थ है, जो जितना याद करते हैं तो उनके भी पाप कटते हैं। याद की यात्रा बिगड़ तो
पवित्र बन नहीं सकेंगे। उठते बैठते चलते यही ओना रखना है तुम बच्चों को। कितने वर्षों से शिक्षा मिली तो भी समझते हैं हम बहुत दूर है। इतना बाप को याद नहीं कर सकते हैं। सतो प्रधान बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस बीच में शरीर छूट जाए तो कल्प कल्पांतर के लिए कम पद हो जाएगा। ईश्वर का बने हैं तो उनसे पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बुद्धि एक तरफ ही रहनी चाहिए। तुमको अब श्रीमत मिलती है, वहां है ऊंचते ऊंच भगवान। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। चलते हो वहां नहीं, वहां तो तुम जानो और बाप जाने। तुमको पुरुषार्थ कराने वाला वहां शुबाबा है। देहदारी सब पुरुषार्थ करते हैं, या भी देहदारी है, इनको शुबाबा पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चों को भी पुरुषार्थ करना है। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत होते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं। वहां तो एक जन्म के लिए पावन बनते हैं। ऐसे बहुत हैं जो इस जन्म में बाल ब्रह्मचारी रहते हैं। वहां कोई दुनिया को मदद नहीं दे सकते पवित्रता की। मदद तब हो जबकि श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है। जन्म जन्मांतर तो तुम असुरी मत पर चले हो। अब तुम जानते हो सुख धाम की स्थापना हो रही है। जितना हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। या ब्रह्मा की मत नहीं है, या तो पुरुषार्थी है। इनका पुरुषार्थ जरूर इतना ऊंच है, तब तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बच्चों को या फॉलो करना है। श्रीमत पर चलना पड़े, मनमत पर नहीं। अपने को आत्मा समझना है, अपने आत्मा की ज्योति को जगाना है। अभी दीपमाला आती है। सत्युग में दीपावली होती नहीं, सिर्फ कारोनेशन है। बाकी आत्माएं तो सतो प्रदान बन जाती है। या जो दीपमाला मनाते हैं वहां है झूठी। बाहर के दीपक जगाते हैं, वहां तो घर घर में दीप जगा हुआ है। अर्थात सबकी आत्मा सतो प्रदान रहती है। 21 जन्मों के लिए ज्ञान ग्रंथ पड़ जाता है। फिर अहिस्ते अहिस्ते कम होते होते इस समय ज्योति ऊंचाई है सारी दुनिया की। इसमें भी खास भारतवासी आम दुनिया। अभी पापात्माए तो सब है। सबकी कयामत का समय है। सबको हिसाब किताब चुक्त करना है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ऊंचते ऊंच पद पाने का। श्रीमत पर चलने से ही पाएंगे। रावण राज्य में तो शुबाबा की बहुत अवज्ञा की है। अब भी उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। उनको ही बुलाया है कि आकर हमको पावन बनाओ। तो अब अपना कल्याण करने के लिए शुबाबा की श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो बहुत अकल्याण हो जाएगा। मीठे मीठे बच्चे यहां भी जानते हो शुबाबा की याद बिगड़
हम संपूर्ण पावन बन नहीं सकते। तुमको इतने वर्ष हुए हैं, फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती है? सोने के बर्तन में ही धारणा होगी। नए नए बच्चे कितने सर्विसेबल हो जाते हैं, फर्क देखो कितना है। पुराने पुराने बच्चे इतना याद की यात्रा में नहीं रहते जितना नए रहते। कोई अच्छे शुबाबा के लाडले बच्चे आते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। जैसे कि शुबाबा के पिछाड़ी आत्मा को कुर्बान कर दिया है, कुर्बान करने से फिर सर्विस भी करते हैं। कुर्बान करने से फिर सर्विस भी कितनी करते हैं, कितने प्रिय मीठे लगते हैं। बाप को मदद करते ही याद की यात्रा में रहने से बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। बुलाया ही है कि मुझे आकर पावन बनाओ, तो अब बाप कहते हैं, मुझे याद करते रहो। देह के संबंध सब त्याग करना पड़े, मित्र संबंधियों आदि की भी याद ना रहे, सिवाय एक बाप के, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। या बाप दादा भी समझ सकते हैं, तुम बच्चे भी जानते हो। नए नए आते हैं, समझते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। श्रीमत पर चलने से ही सुधरते हैं। क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते जीत पाते हैं, तो बाप भी समझाते हैं। खराबियों को निकालते रहो, क्रोध भी बड़ा खराब है। अपने अंदर को भी जलाते हैं, दूसरों को भी जलाते हैं, वहां भी निकालना चाहिए। बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो पद कम हो जाता है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। तुम बच्चे जानते हो कि वहां है जिस्मानी पढ़ाई, यहाँ है रूहानी पढ़ाई, जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। हर प्रकार की संभाल भी होती रहती है। कोई विकारी यहाँ अंदर मधुबन में आ ना सके, बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए या तो अच्छा नहीं, पसंद भी हम ना करें, नहीं तो अंतकाल वहां मित्र संबंधी ही याद पड़ेंगे, फिर वहां ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, कोई की भी याद ना आए। ऐसे नहीं हम बीमार हैं इसीलिए मित्र संबंधी आदि आए देखने के लिए, नहीं, उनों को बुलाना कायदा नहीं। कायदे सिर चलने से ही सदगति होती है, नहीं तो मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु तमो प्रदान बुद्धि या समझते नहीं है, ईश्वर राय देते हैं तो भी सुधरते नहीं। बड़ा खबरदारी से चलना चाहिए। यहाँ है होलीएस्ट ऑफ होली स्थान, पतित ठहर ना सके। मित्र संबंधी आदि याद होंगे तो मरने समय जरूर वहां याद आएंगे। देह अभिमान में आने से अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, सजा के निमित्त बन पड़ते हैं। श्रीमत पर ना चलने से बड़ी दुर्गति हो जाती है, सर्विस लायक बन ना सके।
कितना भी माता मारे परंतु सर्विस लायक हो नहीं सकते। अवज्ञा की तो पत्थर बुद्धि बन जाते, ऊपर चढ़ने बदले नीचे गिर जाते। बाप तो कहेंगे बच्चों को आज्ञाकारी बनना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। लौकिक बाप के पास भी चार पांच बच्चे होते हैं, परंतु उनमें जो आज्ञाकारी होते हैं वही बच्चे प्रिय लगते हैं। जो आज्ञाकारी नहीं वह तो दुख ही देंगे। अभी तुम बच्चों को दोनों बाप बहुत बड़े मिले हैं, उनकी अवज्ञा नहीं करनी। अवज्ञा करेंगे तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर बहुत कम पद पाएंगे। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो अंत में एक ही शुबाबा याद आए। बाप कहते मैं जान सकता हूँ हर एक क्या पुरुषार्थ करते हैं, कोई तो बहुत तोड़ा याद करते हैं, बाकी तो अपने मित्र संबंधियों को ही याद करते रहते हैं। वह इतना खुशी में नहीं रह सकते, ऊंच पद पा ना सके। तुम्हारा तो रोज सतगुरुवार है, बृहस्पति के दिन कॉलेज में बैठते हैं। वहां है जिस्मानी विद्या या तो है रूहानी विद्या। तुम जानते हो शुबाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु है, तो उनके डायरेक्शन पर चलना चाहिए, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। जो पुरुषार्थी है उनों के अंदर बहुत खुशी रहती है, बात मत पूछो। खुशी है तो औरों को भी खुश करने का पुरुषार्थ करते हैं। बच्चियां देखो कितनी मेहनत करती रहती है दिन रात, क्योंकि यह वंडरफुल ज्ञान है ना। बाप दादा को तरस पड़ता है कि कई बच्चे बेसमझी से कितना घाटा पाते हैं। देह अभिमान में आकर अंदर में बाड़ा चलाते हैं। क्रोध में मनुष्य तांबे जैसा लाल हो जाते हैं। क्रोध मनुष्य को जलाता है, काम काला बना देता है। मोह अथवा लोभ इतना जलाते नहीं है, क्रोध में जलते हैं। क्रोध का भूत बहुतों में है, कितना लड़ते हैं, लड़ने से अपना ही नुकसान कर लेते हैं। निराकार साकार दोनों की अवज्ञा करते हैं। बाप समझते हैं या तो कपूत है, मेहनत करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, तो अपने कल्याण के लिए सब संबंध बुला देने सिवाय एक बाप के किसी को भी याद नहीं करना है। घर में रहते संबंधियों को देखते हुए शुबाबा को याद करना है। तुम हो संगम युग पर, अब अपने नए घर को शांति धाम को याद करो। या तो बेहद की पढ़ाई है ना, बाप शिक्षा देते हैं, इसमें बच्चों का ही फायदा है। कोई बच्चे अपनी चलन से मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, कई बच्चे अपनी बेढंगी चलन से मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। पुरुषार्थ करते हैं विश्व की बादशाही लेने के लिए, परंतु माया बिल्ली कान काट लेती है। जन्म लिया है कहते हम यहाँ पद पाएंगे, परंतु माया बिल्ली लेने नहीं देती, तो पद भ्रष्ट हो जाता है।
माया बड़ा जोर से वार कर देती है। तुम यहाँ आते हो राज्य लेने के लिए, परंतु माया हैरान करती है। बाप को तरस पड़ता है, बिचारे ऊंच पद पावे तो अच्छा है। मेरी निंदा कराने वाला ना बने, सतगुरु का निंदक तौर ना पाए। किसकी निंदा? शुबाबा की। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जो बाप की निंदा हो। इसमें अहंकार की बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध बुला देने, उनसे प्रीत नहीं रखनी, ईश्वर की ही मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं, कुसंग से बचना है, ईश्वरीय संग में रहना है। सेकेंड पॉइंट, क्रोध बहुत खराब है या स्वयं को जलाता है। क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी, खुश रहना है और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक बवा। स्व को परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। एक, अपनी कमजोरी की महसूसता। दूसरी, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान, स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है, या महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी। श्लोगन, वारिस वह है जो यव्वर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर करता है। अच्छा, ओम शांति।